वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए प्लीज़। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले वन प्लस बड्स के बारे में। तो इस वीडियो में मेरे साथ आगे तक जुड़े रहिए और जानिए इन बड्स के में ऐसा खास है क्या। तो चलो यार देखते हैं। तो जो वन प्लस बड्स है ये कंपनी की तरफ से ये फर्स्ट टाइम ट्रूली वायरलेस में आया, नहीं तो उससे पहले उनके कॉलर वाले आते थे वन प्लस के। तो ये ट्रूली वायरलेस में उनकी एक एंट्री हुई है वन प्लस की तरफ से। तो साथ ही साथ इसके अंदर खास क्या है, इसके अंदर मैं आपको सारी की सारी स्पेसिफिकेशन बताने वालों आगे, बट एकदम ओवरऑल जो वन प्लस ने बताया उसमें कि इन ईयरफोन्स के अंदर 30 घंटे का बैटरी बैकअप है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है इस रेंज में। साथ साथ अगर बोलो अगर इसको 10 मिनट इन ईयरफोन्स को चार्ज करते हैं तो हमें 10 घंटे की वो जो बैटरी बैकअप है वो मिलती है। मतलब वो सुनकर तो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे ये जो फीचर है, क्योंकि जो आते हैं वन प्लस का जो ये जो बड्स है उनका जो केस है चार्जिंग केस वो यूएसबी टाइप सी सपोर्ट करता है। साथ ही साथ अपने वन प्लस का वॉप चार्जिंग का सपोर्ट भी है, जिसके होते हुए जैसे मैंने बताया आपको कि 10 मिनट में 10 घंटे का मतलब बैटरी बैकअप, मतलब कितना सही है। और वैसे ओवरऑल अगर केस के साथ मिला के देखे तो हमें 30 घंटे का मिलता है, जो कि अपने आप में अमेजिंग है। तो चलो यार अभी मैं बाकी के फीचर्स देख लेते हैं। अगर मैं इसके वेट की बात करूं, जो सिंगल ईयरफोन है या ईयरबड होता है, ईयरबड का वेट है सिंगल 4.6 ग्राम, और केस की बात करें तो 36 ग्राम का इसका वेट है। बाकी इन ईयरफोन्स के अंदर 13.4 mm का डायनेमिक बेस बूस्टिंग ड्राइवर है, और साथ ही साथ इसमें एनवायरनमेंट नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी है, जिसके होते हुए कि जो साउंड वॉइस कॉल्स है उसमें आपको कोई बाहर का जो नॉइस है वो ज्यादा नहीं आएगा और आप बहुत स्मूथली कॉल्स अटेंड कर पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फीचर लगा मुझे। बाकी साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, IPX4 वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट है, मतलब स्वेटर वाटर प्रूफ की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या छोटा मोटा जो रेन है वो थोड़े से झेल लेगा। बाकी बात करें तो इसके अंदर भी वही टच कंट्रोल्स है, जो जिसके फीचर अब इसका भी इस सुनने में आया है कि वनप्लस की तरफ से इनके अपडेट्स भी आने वाले हैं और जो ईयरफोन्स को लेके, तो अब देखते हैं उसके होते हुए और टच कंट्रोल्स आने वाले कि हम खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं डबल टैप में हमें क्या चाहिए, सिंगल या ट्रिपल टैप में हमें क्या चाहिए, फिर लॉन्ग प्रेस में हमें गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है नहीं करना, वो सारी चीजें कस्टमाइज हम कर सकते हैं। ये ऑप्शन वनप्लस पहले से ही देता है, तो अभी देखते हैं इसके फ्यूचर अपडेट्स आने वाले हैं, अब लॉन्च से पहले पहले भी आएंगे ऐसा वनप्लस ने क्लेम किया है। बाकी अगर इनके फिट की बात करूं तो इनका जो फिट है वो हाफ इन ईयर का है, मतलब जैसे मेरे साथ ऐसे वो ये होता है, क्योंकि जो फिट होता है ईयरफोन्स का ना काफी सब्जेक्टिव टॉपिक होता है कि हर बंदे का परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि किसी के ईयर टाइप अलग होते हैं, तो वो है। जैसे मेरे साथ है, मेरे साथ मैं इन ईयर ही मैं पहन सकता हूँ, मेरे साथ जैसे एयरपॉड्स हो गए वो मुझसे कंफर्टेबल नहीं होते, मुझसे ग्रिप सही नहीं बनते कानों में, तो गिर जाते हैं मुझसे बार बार, तो इसलिए मैं एयरपॉड्स यूज ही नहीं करता। तो वैसे ये है कि ये जो हमारे जो बड्स सेवन प्लस के वो भी काफी हद तक एयरपॉड्स टाइप के ही है, जिसके होते हैं मतलब हाफ इन ईयर है, मतलब वो जो कम्फर्ट और जो फिट हमें जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो हर बंदे को नहीं आ पाता, पर जिनके ईयर टाइप वैसे ही है सपोर्ट करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जैसे इन ईयर वाले जो काफी लोग प्रेफर करते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका भी जरा ध्यान रखना। बाकी इसके अंदर ये वही जो बड्स है वो किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बट इसके अंदर जो स्पेशल इनकी जो कस्टमाइजेशन है वो अभी तक ये पता चल रहा है कि वन प्लस की कोई वन प्लस फोन के साथ ही सपोर्ट करेगी, चाहे वो नॉर्ड हो या वन प्लस 8 Pro होगा उनके साथ सपोर्ट करेंगी, जिनको तो आप काफी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड है वो वन प्लस गेमिंग उसमें जाके आप कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसको होते हुए गेम खेलते समय जो लेटेंसी होती है वो कम हो जाए वो, और भी काफी चीजें आप उसके क्या इक्वलाइजर्स या काफी साउंड के एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, वो सारे के सारे वन प्लस के साथ मिलते हैं। तो वन प्लस का फोन आपके पास हो और आप साथ में वन प्लस बड्स ले रहे हो तो मतलब काफी अच्छा कॉम्बो मिलने वाला है, चाहे वो हर चीज हो आप कस्टमाइज काफी चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर भी नो हमें कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, जैसे हमें रियलमी में मिलती थी रियलमी बड्स में, पर इसमें नहीं मिलती, आप इसका भी ध्यान रखना। बाकी वो ये जेस्चर्स डबल टैप नेक्स्ट सॉन्ग प्रेस एंड होल्ड से हमारा डिवाइसेस को स्विच कर सकते हैं, या वो जैसे मैंने बोला आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि आपको प्रेस एंड होल्ड पे गूगल असिस्टेंट चाहिए या क्या चाहिए, काफी चीजें हैं। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे आएगा उसके बाद और फीचर्स इनेबल हो जाएंगे। साथ साथ इसके अंदर 3 माइक है, एक सिंगल ईयरफोन के अंदर 3 माइक है, टॉप में मिडिल में और बॉटम में, जिससे कि नॉइस रिडक्शन वो काफी अच्छा हद तक कर पाए, उसलिए उन्होंने उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर के थ्रू एल्गोरिथम चलाई है, जिसके होते हैं मतलब की अच्छी से अच्छी साउंड क्वालिटी मिले, चाहे आप कॉल्स कर रहे हो तो कॉल्स में कोई लैग ना आए, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा ना आए, तो इस चीज का काफी ट्राई किया इन लोगों ने। बाकी इसके अंदर भी वही हमारी बियर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसके होते हुए जैसे ही वो एक ईयरफोन अपने ईयरबड अपने कान से निकालोगे तब जो भी चीज देख रहे हो पॉज हो जाएगी, फिर वापस आप कान में लगाते हो तो डिटेक्शन से वापस हो वहीं से रिज्यूम हो जाएगा, ये काफी अच्छा है। साथ साथ इसके अंदर एंड्रॉइड फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, जिसके होते हुए हमें बैटरी लेवल्स मिल जाएंगे बड्स के और केस के, और अगर हमारे कोई भी ईयरबड हमारा मिसप्लेस होता है तो आप उस पर क्लिक करोगे फाइंड माई फोन में, तो आप ये इसको जैसे कि साउंड आती है तो साउंड से आप लोकेट कर पाओगे कि कब का ईयरफोन कहाँ है, जिससे कि पता चल जाए आप ट्रैक कर सको कि कहाँ है, कहीं लॉस तो नहीं हुआ, कुछ हुआ तो नहीं। बाकी साथ साथ आप
अभी के लिए भी पता चला है कि ये खाली एक डिवाइस के एक साथ ही एक टाइम पे पेयर होगा। बाकी मैंने इसके अंदर की जितनी स्पेसिफिकेशन सारी की सारी आपको बता दी है। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये ईयरफोन सेल पे मिलेंगे 4th of August को विद नॉट फोन। मेरा जो पर्सनल फेवरेट कलर है, इसके अंदर 3 कलर वेरियंट्स आते हैं, व्हाइट, ग्रे और नॉट ब्लू। मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो नॉट ब्लू है। बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट कलर है। और अगर ये मेरा एक पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि अगर ये इन ईयर स्टाइल होते ना, मैं पक्का डेफिनेटली तो मतलब खरीदता ही खरीदता, बहुत ही सही होते। बट अब जैसे पता चला नहीं कि हाफ इन ईयर है, उसको थोड़ा सा वो मेरा वो कॉन्फिडेंस या मन नहीं मान रहा, अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि इन ईयर होते तो मुझे बहुत सही लगता है, वही मेरे कानों में फिट होते हैं तो मेरे लिए वो कंफर्टेबल होते हैं। अब आप बताना आपकी प्रेफरेंस कैसी है और आपको कैसे लगे ईयरफोन, जैसे मैंने इमेजेस दिखाई आपको शेयर करी और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कैसा लगा, प्लीज कमेंट डाउन करके बताना। बाकी अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं इन ईयरफोन्स की, इनका प्राइस है इंडिया में 4,990 rupees का, तो अच्छा अच्छे ईयरफोन्स है यार। बट इसके अंदर अगर इस प्राइस रेंज में अगर हमें वन प्लस अपनी वायरलेस चार्जिंग दे देता और मजे आते, और इन ईयर होता, मेरा तो सबसे बड़ी वही है कि बस काश इन ईयर होते हैं तो मजा आ जाता बहुत ही। बट उसके अलावा सारे फीचर्स अच्छे, बैटरी लाइफ देखो यार, हाईलाइट देखो, 30 घंटे का बैटरी बैकअप एक ईयरफोन में, साथ साथ 10 मिनट आप चार्ज करोगे तो 10 घंटे का बैकअप मिलेगा, और क्या चाहिए ईयरफोन में, ये तो चाहिए होता है कि हम और भी वायरलेस है, ट्रूली वायरलेस कंटेंट कंज्यूम करो अनलिमिटेड तरीके से, कॉलिंग अच्छा है, 3 माइक्रोफोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी अगर वन प्लस का फोन हो तो डेफिनेटली ट्राई करना, और क्योंकि वन प्लस के फोन के साथ काफी कस्टमाइजेशन मिलती है गेम खेलते टाइम पे, या फिर काफी चीजों में आप जेस्टर्स कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, और जितने भी होते हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहेंगे। तो जो भी वन प्लस का फोन यूज कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है, प्लीज कंसीडर करना, अगर आप एक ब्लूटूथ ट्रूली वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स की या ईयरबड्स की सर्च पे हो तो प्लीज इसको कंसीडर जरूर करना, ये वीडियो पूरी आखिर तक देखना, पसंद आया तो प्लीज जाके खरीदना, 4 अगस्त से आप खरीद सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपके लिए एक्साइटिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय।